साथ मौजूद है तहसीन पूनावाला, जो खुद को कांग्रेस समर्थक बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगला चुनाव वो जीतेंगे और एज अ नेता वो आगे आएंगे, और बिल्कुल हम शुभकामना भी देते हैं। लेकिन सर पहले अभी बताइए कि आपको शिमला कैसा लगा? शिमला बहुत अच्छा लगा, शिमला के लोग बहुत अच्छे लगे हैं, और अब मन करता है कि यहीं पर हर महीने आया करें। सर अभी यहाँ पे कार्यक्रम हुआ तो टाइटल था परिवारवाद, और ऐसे में मेरा भी यही सवाल है कि पीएम मोदी खुद कहते हैं कि जिस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है वो देश में लोकतंत्र कैसे कायम करेगी, और आखिर परिवारवाद का जो एक लग चुका है कांग्रेस के ऊपर, जो छवि बन गई है, वो कैसे उभर पाएगी कांग्रेस उस छवि से? मैं पीएम मोदी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जहाँ पर पार्टी में अंदरूनी जमहूरियत नहीं है वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अब मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करता हूँ और मैं कांग्रेस को बड़ी करीबी से जांच रहा हूँ। कांग्रेस का कोई भी नेता कांग्रेस के किसी भी नेता को, इंक्लूडिंग हाईकमांड, उनसे सवाल पूछ सकता है, उनसे जवाब मांग सकता है। अब मैं पूछता हूँ, क्या मोदी जी, जो हमारे सबसे मजबूत वजीर आजम है, मोहन भागवत से सवाल पूछ सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं? मोहन भागवत जी मोदी जी को समन करते हैं, तो जमहूरियत का पाठ वो लोग ना पढ़ाए जो आरएसएस की पाठशाला से आते हैं। आरएसएस की पाठशाला पहले संविधान में आ जाए, फिर दूसरों को जमहूरियत का पाठ पढ़ाए। चलिए बात करते हैं 2019 चुनाव के, जिसका महज कुछ ही वक्त बचा है, और ऐसे में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी समूचे विपक्ष को एक साथ लाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? मतलब ऐसा क्या बात है कि पीएम मोदी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक साथ आना पड़ रहा है? सबसे पहले तो ये कोई पीएम मोदी के खिलाफ या समर्थन में नहीं है। आपको एक बात जाननी होगी कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, कोई हमारे देश में कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है कि एक व्यक्ति ट्रंप की तरह या ओबामा जी की तरह चुनाव लड़ता है। ये जो मोदी जी कर रहे हैं, मेरे नाम पे चुनाव लड़ना, बग्गा जी ने भी अभी सेशन में कहा कि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में सभी को अधिकारी गठबंधन बनाना। एक चीज़ में खत्म करता हूँ अपनी बात करते, यूपीए के इस वक्त 14-15 अलायंस है, एनडीए के कितने, 47। तो मोदी जी के खिलाफ अलायंस बढ़े या मोदी जी अलायंस बना रहे, वो उसका भी जवाब दे दीजिए। चलिए सर, अभी कैराना चुनाव हुआ, नूरपुर चुनाव हुआ, उसमें विपक्ष जीता, उससे एक विपक्ष में जान आई, और कर्नाटक में भी कांग्रेस को मजबूती मिली। ऐसे में अगर गठबंधन, मतलब विपक्ष को बहुमत मिलता है, तो पीएम का चेहरा कौन होगा? क्योंकि गठबंधन में मायावती हैं, राहुल गांधी भी होंगे और अखिलेश होंगे, तो जनता ही जानना चाहेगी कि भाई विपक्ष के तौर पर कौन सा पीएम मोदी का चेहरा कौन होगा, माफ कीजिए, देश का पीएम का चेहरा कौन? मैं फिर से उस बात दोहराता हूँ, हमारे देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ही नहीं कि एक व्यक्ति बेनाम दूसरा व्यक्ति, वो है ही नहीं। मोदी जी चाहते कि उनके खिलाफ चुनाव हो, ये चुनाव मोदी जी के खिलाफ नहीं, ये चुनाव भाजपा के खिलाफ है, और भाजपा के खिलाफ कई दल लड़ रहे हैं, भाजपा के साथ कई दल लड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, ये चुनाव होगा मुद्दों पर, मुद्दे होंगे कि क्या नोटबंदी फिर से होनी चाहिए, क्या जीएसटी इस तरह से होनी चाहिए, क्या जीएसटी में सुधार होना चाहिए या नहीं, इन मुद्दों पर डिबेट होगा। डिबेट ये नहीं होगा मोदी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, ममता जी के ऊपर, मायावती जी के ऊपर, रामविलास पासवान जी के ऊपर। तीसरी चीज़, जो दल के सबसे अधिक एमपीज होगी और जो अन्य दल ने समर्थन दिया जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति वजीर आजम बनेगा। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम क्या है? मोदी जी को भी एनडीए ने चुनकर ही प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी खुद के बनते तो आए नहीं, भाजपा की जो पार्लियामेंट्री कमेटी उन्होंने भी मोदी जी को चुना, तो यहाँ पर तो एमपीज चुनते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, जो एमपीज बने चुनेगी वो जीतेगी, यही तो सिस्टम होता है इस देश के अंदर। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की, हाल ही में अभी बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, गठबंधन सरकार टूट गई है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से कहना है कि हमने देश के लिए सरकार गिराई है, लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी ने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है, वो भी 2019 चुनाव को। कैसे? मैं श्रीनगर गया था 2012 में, मेरे सबसे अजीज दोस्त की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उन्होंने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म वहाँ पर शूटिंग हो रही थी श्रीनगर में, बिना पुलिस सिक्योरिटी के, और बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स उसमें शूटिंग कर रहे थे। ये श्रीनगर की हालत मनमोहन सिंह जी ने सुधार दी थी, जिस सरदार को आपने कमज़ोर कहा, रोबोट कहा, उसका अपमान किया, उस व्यक्ति ने साइलेंटली श्रीनगर के प्रॉब्लम को और कश्मीर के प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। पाँच ज़िलों में प्रॉब्लम रह गया था, ये खुद भाजपा के प्रवक्ता कहते, पाँच ज़िलों में प्रॉब्लम रह गया था, बाकी पूरा जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉब्लम अधिकतर सॉल्व हो गया था। 10 साल की मेहनत लगी, आज अब कश्मीर जा नहीं सकते, टूरिज्म 5% पे आ गया है। तो आपने 4 साल जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, अब आप छोड़कर भाग गए क्योंकि आपकी नैया डूब रही है, नैया छोड़ते जो डूबती हुई नैया से पहले भागते, सबसे पहले भागते वो थे चूहे, चूहे की तरह भाग रहे हो और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हो आप लोग।
सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि जब भी कांग्रेस की बात आती है तो सिर्फ तीन वर्ड्स लोगों के दिमाग में आते हैं, पहला आता है परिवारवाद, दूसरा आता है करप्शन और तीसरा आता है घोटाला। ऐसे में 2019 के चुनाव में जीतने के लिए कांग्रेस को एक बार फिर देश पे अपनी कमान संभालने के लिए इन अपनी छवि को कैसे बेहतर बनाएगी और आगे की क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? देखो, जो कुछ भी जुमले भाजपा ने दिए करप्शन को लेकर, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे खुद ललित मोदी स्कैम में इन्वॉल्व थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। व्यापम में सब बच्चों का एजुकेशन बिगाड़ दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो जो स्कैम्स हुए भाजपा के राज्यों में, भाजपा के राज्यों, भाजपा की केंद्र सरकार को छोड़ दीजिए, जो कांग्रेस के राज्यों में सो कॉल करप्शन था उसमें भी कोई जेल में नहीं गया। मोदी जी डाल नहीं पाए किसी को जेल में। दूसरी बात परिवारवाद की, मैंने अभी दुष्यंत राजे का नाम दिया, अनुराग ठाकुर का नाम दिया, वरुण गांधी का नाम दिया, पंकजा मुंडे का नाम दिया, पूनम महाजन का, पहले उस पर बात करें। उनके अलायंस के सारे परिवारवाद चले, चाहे ठाकरे हो चाहे अकाली दल हो, उन पर वह बात करें। तीसरी चीज़ है कि जो जो लोग वोट करेंगे वो ये देखें कि 10 साल कांग्रेस के यूपी के राज्य में उनकी ज़िंदगी बेहतर थी या 5 साल एनडीए के राज्य में उनकी ज़िंदगी बेहतर थी, और जो जिस का जिस शनि जिस कार्यकाल में उनकी ज़िंदगी बेहतर थी उस पर वे वोट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सारा डेटा दिखाता है यूपीए के समय से लोगों की ज़िंदगी आज के समय काफ़ी बेहतर थी। अब ये तो देश की जनता ही डिसाइड करेगी 2019 में कि 10 साल में यूपीए की सरकार ज़्यादा अच्छी थी या फिर 5 साल में मोदी सरकार के राज में जनता सही है। तो ऐसे में सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया NMF न्यूज़ से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।